हेलो गाइस, मैं प्रशांत कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईस्ट फैक्ट पर। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारी दुनिया के बारे में। सो गाइस, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड एंड लर्न समथिंग अमेजिंग। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि हमारे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 200 कंट्रीज़ हैं और अप्रॉक्स 8 बिलियन लोग हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की लगभग 200 कंट्रीज़ में से सिर्फ नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ही एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां आप कोका कोला नहीं खरीद सकते। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, कहां घूमते हैं, पर आप कहीं भी जाएँ वहाँ आप कोका कोला का आनंद तो ले ही सकते हैं। कोका कोला प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर जगह बेचा जाता है, पर कोका कोला अभी तक नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में अपना रास्ता नहीं बना पाया है। दूसरे फैक्ट में ये बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिट हो सकता है। हमें पता है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7.5 बिलियन से भी अधिक है। जाहिर है ये नंबर बहुत बड़ा है। हालांकि यह जानने के बाद आपको थोड़ा सोच विचार में लग गए होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग हर इंसान कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़ा हो तो सभी लॉस एंजलिस के सिर्फ 500 यानी कि 500 स्क्वायर माइल्स में फिट हो सकते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं तीसरा फैक्ट कि इस प्लैनेट पर एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम टोटल 85 अल्फाबेटिकल लेटर्स का है। यह नाम इतना बड़ा है कि मैं क्या इसे कोई भी जल्दी से समझ और बोल नहीं पाएगा। यह जगह न्यूजीलैंड में है। चौथा फैक्ट है कि अब तक का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर -144 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। 2004 और 2016 के बीच यह टेम्परेचर अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अर्थ पर 4 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया हैं। हालांकि सारे बैक्टीरिया ख़राब नहीं हैं, इनफैक्ट इनमें से कुछ छोटी सी बायोलॉजिकल सेल्स हमारे लिए अच्छी भी हैं और बहुत हेल्प भी करती हैं। और NPR यानी कि नेशनल पब्लिक रेडियो के अकॉर्डिंग ऐसी 4 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया हैं, यानी कि 4 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया हमारी अर्थ पर हैं। छठा फैक्ट है कि साउथ सूडान दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश है। हम यह जानते हैं कि कुछ देश 100 से भी ज़्यादा साल पुराने हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में साउथ सूडान ने 2011 में अपनी आज़ादी हासिल की, जो इसे प्रेजेंट में सबसे यंगेस्ट देश बनाता है। साउथ सूडान यूनाइटेड नेशन का 193rd मेंबर भी है। बढ़ते हैं सातवें फैक्ट की तरफ, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दुनिया में अभी भी ऐसे देश हैं जिनका अभी भी एक रॉयल फैमिली है, यानी कि शाही परिवार है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली इस प्लैनेट पर सबसे फेमस रॉयल फैमिली हो सकती है, लेकिन और भी ऐसी कई रॉयल फैमिलीज हैं जो इस प्लैनेट पर फेमस भी हैं और अभी प्रेजेंट में हैं भी। कुल मिलाकर 28 रॉयल फैमिलीज हैं जो जापान, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, भूटान, थाईलैंड, मोनाको, स्वीडन, नीदरलैंड और लिंकटेस्टिन के साथ टोटल 43 कंट्रीज शासन करते हैं। आठवें फैक्ट में बताया जा रहा है कि एक ऐसी वेबसाइट है जो रियल टाइम में वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ट्रैक करती है। 2020 तक टोटल पॉपुलेशन 7.7 बिलियन से अधिक होने की भी प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप रियल टाइम में इस इंक्रीमेंट को देखना चाहते हैं तो आप वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक पर जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों के पैदा होने के साथ साथ लोगों के मरने का नंबर भी दिखाता है। आप डिफरेंट कंट्रीज़ की लाइव पॉपुलेशन भी इस पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नौवा फैक्ट, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 40 देश यानी कि 41 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में साइन लैंग्वेज को मान्यता देती हैं। दुनिया भर में 72 मिलियन यानी कि 72 मिलियन बहरे लोग हैं। लगभग 300 अलग अलग साइन लैंग्वेजेस भी हैं, जिनमें अमेरिकी साइन लैंग्वेज और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज के साथ साथ 41 कंट्रीज़ हैं जो साइन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मानती हैं। बढ़ते हैं अपने दसवें और आखिरी फैक्ट की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है कि
द के साथ शुरू होने वाले नाम के केवल दो देश हैं। आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम के पहले द लगाते हुए सुना होगा। हम अक्सर द यूनाइटेड स्टेट, द मालदीव्स कहते हैं। हालांकि केवल द गैम्बिया एंड द बहामाज ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के पहले द आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए गुड बाय।